हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज बताने वाले हैं, जो आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बीट, रेट ऑफ रिएक्शन, पीएच और पैकिंग। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोडीन फॉस्फेट, कोडीन प्लस फॉस्फेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, आयोनिक हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोनिक हाइड्रोलाइसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फैक्टर्स कॉजिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज, इम्प्योरिटीज, साउंड, पोलन, सरफेस एरिया। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्योरिटीज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन ब्लैंक ड्रग का है, आइसोमराइजेशन द ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग कन्वर्ट्स इन टू अ लेस एक्टिव फॉर्म, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल और रिफ्लेक्टिव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन द आइसोमर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सिस और ट्रांस इन ट्रांसफॉर्म द ग्रुप्स और लाई इन ब्लैंक ड्रग का है डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अल्टरनेट, पैरेलल या अपोजिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड ब्लैंक ड्रग का ही ऑफ रिमूविंग केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज एप्लीकेबल व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मड, मेथड बी, मेथड सी, बोथ एंड बी या मेथड ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेथड ऑप्शन नंबर डी, मेथड ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक ड्रग का ही डील्स विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर इंटरेक्टेड, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी या फार्माकोग्नोसी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोडायनेमिक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंजाइम मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम एक्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक ड्रग का है इज द अपोजिट ऑफ सिनर्जिज्म एंड इट्स कंबाइंड इफेक्ट इज लेस देन आइदर ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट अलोन, लेसर इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, पोटेंट इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ थेरापीटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ओवरडोज, पार्शियल डोज, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड डोज या अंडरडोज। करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्शियल डोज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता ही। तो इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।